लखनऊ के गोसाईगंज निवासी एक छात्र को अपने जाल में फंसाकर हरियाणा की दुल्हन जेवर लेकर फरार हो गई। युवती शाम को ससुराल आई थी और सुबह होते ही भाग गई। छात्र ने जब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वह दूसरी शादी कर चुकी है। फोन कर बोली कि तुम बेरोजगार हो, वह नौकरी करता है और तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए उससे शादी कर ली। अब छात्र से तलाक के बदले 5 लाख रुपए मांग रही है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि निशा के घर छोड़कर भागने के बाद उसके विषय में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चला कि उसकी गौतम नाम के एक युवक से पहले ही शादी हो चुकी है। निशा से फोन पर इसको लेकर बात की तो निशा ने कहा कि उसकी गौतम से पुरानी दोस्ती है, गौतम तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है और नौकरी भी करता है, तुम एक बेरोजगार हो इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। तलाक को लेकर बात की तो उसने तलाक के बदले 5 लाख रुपए मांगे हैं। वहीं साथ ही मांग ना पूरी करने पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि गोसाईगंज कासिमपुर निवासी युवक के मुताबिक वह मेडिकल की कोचिंग करने कोटा गया था, जहां हरियाणा महेंद्रगढ़ निवासी निशा से दोस्ती हुई। निशा ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं नौकरी लगने के बाद शादी की बात कहने पर कोटा थाने में शिकायत कर दी। पुलिस से शिकायत करने पर वह डर गया। इसके चलते 18 सितंबर 2020 को आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। वहीं पीड़ित युवक के मुताबिक शादी के अगले दिन यानी 19 सितंबर 2020 को निशा एक दिन के लिए गोसाईगंज कासिमपुर स्थित घर आई, जहां परिजनों ने उसे मुंह दिखाई पे उसको लाखों के जेवर और नगद रुपए दिए। अगले दिन जब वह सुबह सो के उठे तो निशा घर से जेवर और नकदी लेकर गायब थी। पड़ताल करने पर पता चला कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और वह अपने पति के साथ मिलकर ठगी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।